जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि ओके, आपने अपना रिज्यूमे सही जगह पर किया, आपकी जो फील्ड है आपने उसी फील्ड से रिलेटेड ही अपना सीवी आगे भेजा और वो सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया और अब आप जो है वो इंटरव्यू पे चले गए। जब आप इंटरव्यू पे जाते हो तो इंटरव्यू में जाने से पहले, अब इसके तीन स्टेप्स हैं इंटरव्यू के। एक है इंटरव्यू से पहले क्या करना है, एक है इंटरव्यू के दौरान क्या करना है, और एक है इंटरव्यू के बाद क्या करना है। ठीक है, इसको सीक्वेंस नहीं समझो। और इन तीनों फेजेस से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। पहला ये कि इंटरव्यू से पहले क्या करो। इंटरव्यू से पहले जब आपको जिस कंपनी से कॉल आती है, तो जिस बंदे ने कॉल की है ना, उससे कई दफ़ा लोग कॉल करते हैं, आप कॉल सुन लेते हैं, कहते हैं जी आपका ना 2:30 बजे इंटरव्यू है कंपनी में, कंपनी का वो नाम भी बताते हैं, हम भी इतने एक्साइटेड होते हैं सुनकर, कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तुम कुछ ना सी पहुँच जाएंगे, और हमें एग्जैक्ट ना कंपनी का नाम पता चलता है कि केड़ी कंपनी से कॉल थी, किसने कॉल की थी। कई दफ़ा तो ये हो जाता है। तो यार सबसे पहले तो ये जानो कि कंपनी कौन सी है जहाँ से कॉल आई है, बंदा कौन है जिसने कॉल की है, वो टेलीफोन पर पूछ लो उससे। और वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जब अगले दिन आपका इंटरव्यू है ना, तो उससे पहले दो काम लाजमी करो। उस कंपनी के मुतालिक पढ़ो, वो इंटरनेट से पढ़ो, वो लिंक्डइन से पढ़ो, वो कहीं से भी पढ़ो कि ये कंपनी है क्या, ये कंपनी बनाती क्या है, ये कंपनी कब से है, और इस कंपनी की जो ये पोजीशन जो थी, क्योंकि हमने कई दफ़ा इतनी जगहों पर सीवी फेंके होते हैं खुद भी भूल जाते हैं कि यार कहाँ पर सीवी फेंका होता, तो वो कंपनी है क्या, बनाती क्या है, कब से है, और ये पोजीशन इसने कब मार्केट की थी, और आपने कब इसको पोस्ट अपने सीवी वहाँ पर भेजा था। एक तो इसको क्लियर करो पहले। नंबर टू ये कि अगर हो सके तो एक दिन पहले जाकर उस जगह का विज़िट करो बाहर से, ताकि आपको ये पता हो कि अगर मैंने कल पहुँचना है ना, तो मैं कल रास्ते ना ढूँढूँ, कल मैं सिर्फ एग्जैक्ट पहुँचूँ, ताकि मेरा टाइम ना ज़ाया हो। और नंबर तीन ये कि अगर आप इंटरव्यूअर से ये भी पूछ सको, यानी वो जो फ़ोन जिसने आपको किया वो नॉर्मली HR के लोग करते हैं, अगर आप उनसे ये भी पूछ सको ना कि सर इंटरव्यू किसने लेना है, अगर आप काइंडली बता दें, तो ये बहुत अच्छी बात है। उससे होता ये है कि उसी बंदे का प्रोफाइल जाकर ना लिंक्डइन पर स्टडी कर लो, वो आपको अगर वो उसका प्रोफाइल मिल जाए तो आपको ये भी पता चल जाता है कि वो जो इंटरव्यूअर बैठा होगा, जो मेरा इंटरव्यू ले रहा होगा, वो किस प्रोफाइल का आदमी है, मैं और वो हमें कैसे जज कर सकता है, उसकी क्या बैकग्राउंड है। तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं ना, ये आपको करनी है इंटरव्यू से पहले रेडी। बाकी ऑब्वियसली आपको जो टेक्निकल आपका जो नॉलेज है उसको आप एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करोगे, ज़रूर देखोगे ठीक है कि यार क्या आपको वहाँ पर वो क्या आपसे टेक्निकल सवाल फील्ड से रिलेटेड कर सकते हैं, और वो टेक्निकल रिलेटेड सवाल फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा फ्रेशर से किया जाता है, एक्सपीरियंस लोगों से इंटरव्यू के दौरान में उनका एक्सपीरियंस ही पूछा जा रहा होता है। ये एक बात है। इंटरव्यू पे जिस वक्त जाना है तो यार देखो, इंटरव्यूअर जो है ना, वो बेश आपकी आप सबसे पहले वो ये चेक कर रहा होता है कि आपकी विलिंगनेस टू गिव इंटरव्यू कितनी है। आप इंटरव्यू में आ गए हो, शेव बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, या आप जो है वो क्या कहते हैं हुलिया इस तरह का है जिससे ये शो हो रहा है कि यू आर नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट दैट इंटरव्यू। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए सीरियस नहीं हो ना, तो इंटरव्यू आपने सीरियस नहीं। वो सबसे पहले आपकी लुक्स के ज़रिए आपको जज करेगा कि हाउ मच यू आर सीरियस अबाउट दिस इंटरव्यू। जब वो कहते हैं ना आपको, आप लोगों को भी ग्रूमिंग का सेशन कराया गया कि जी ये पहनो फलां करो, वो एक अलहदा बात है कि जी आप दिखने में कैसे नज़र आए, लेकिन ये क्यों क्यों, इसलिए कि वो आपकी सिर्फ सीरियसनेस देखना चाहते हैं आपके हुलिये के ज़रिए कि हाउ मच यू आर सीरियस अबाउट दैट इंटरव्यू, आप कितना प्रिपेयर होकर आ रहे हैं। तो उस प्रिपरेशन का एक पार्ट वो है कि यार जो दिखता है वो बिकता है, तो अपनी लुक्स जो है उसको ठीक करें। बाकी क्या कहते हैं जो एक वर्ड बोला जाता है जैसे कहते हैं कॉर्पोरेट फैशन, कॉर्पोरेट फैशन और कैजुअल फैशन में फ़र्क है। कॉर्पोरेट फैशन अभी आप लोग क्योंकि मेल बैठे, मैं आप लोगों को आपका बता देता हूँ जस्ट, या आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग में भी सीखा होगा। देर आर बेसिकली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड देर आर थ्री कलर्स, वन इज़ नेवी ब्लू, सेकेंड इज़ ब्लैक, थर्ड इज़ ग्रे।
या आप अगर जाओ ना इंटरनेशनल ब्रांड्स की वेबसाइट को स्टडी करो या कॉर्पोरेट फैशन को गूगल पे स्टडी करो, ठीक है, जॉर्जेंटी एक ब्रांड है उसकी गाइडलाइंस को जाकर देखो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली यार कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप जो हैं वो जा रहे हैं ना, तो आपने अगर सूटिंग करनी है सर्दियों में तो नेवी ब्लू पहनना है, काला पहनना है या ग्रे पहनना है, एक बात होगी। आप अगर गर्मियों में जा रहे हैं तो गर्मियों के अंदर आपकी पैंट या आपकी जो बास्केट है वो भी इन्हीं कलर्स की होनी चाहिए, और जो आपकी शर्ट्स हैं शर्ट्स मस्ट बी प्लेन, वो वाइट हों, वो ग्रे हों, वो ब्लैक हों। ये जो चेक्स होते हैं, पिंक कलर की शर्टें होती हैं, ग्रीन कलर की शर्टें होती हैं, खटे रंग होते हैं, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली कॉर्पोरेट फैशन में शामिल नहीं होता, ठीक है, ये दूसरी बात है। फिर मज़ेदार एक बात और, हम लोगों ने ब्लैक पैंट पहनी हुई है, नीचे सफ़ेद जराबे पहनी हुई है, वो खरगोश के पैर नज़र आ रहे हैं, दिस इज दैट मेक अ सेंस, ठीक है, आपकी ब्लैक पैंट है, ब्लैक मोजे हों साथ। फिर आपका अगर आपकी जूती अगर जो है वो अगर ब्लैक है तो देर इज कॉर्पोरेट फैशन ये कहता है फिर आपकी बेल्ट भी ब्लैक हो, आपकी अगर बेल्ट ब्राउन है तो फिर आपकी जो है वो जूती भी ब्राउन हो। फिर जो आपकी टाई है उस टाई के ऊपर अगर फुल बूटे बने हुए हैं या उसके ऊपर कोई कार्टून्स बने हुए हैं या कोई टाई कोई पिंक रंग की भड़कीली टाइयाँ लगाई हुई हैं तो दिस नॉट मैटर, ठीक है, ये वो चीज़ पे मैटर नहीं की जाएगी कि यार ये क्या है इसने किया, यानी आपको सीरियस नहीं लिया जाएगा। आपकी आपकी जो टाई की कलेक्शन है दैट मस्ट बी वेरी सिंपल, ठीक है, स्ट्रेट, और उसके अंदर जो डिज़ाइन डिजाइन होते हैं उनसे परहेज करें, ठीक है। तो ये वो ड्रेसिंग सेंस है फॉर द मेल्स जो आपको इंटरव्यू के लिए करनी है। आपकी अगर दाढ़ी है तो फिर उस दाढ़ी को प्रॉपर उसका खत करके जाएं, ठीक है, और अगर आपकी दाढ़ी नहीं है तो फिर यार उसको बढ़ा लें, किसी से पूछो यार आपने दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ाई, दाढ़ी काटी क्यों नहीं, उसका टक लग जाते हैं, वो यार क्या यार आप एक इंटरव्यू देने के लिए आएँ, ठीक है ना, ये दिस इज़ नॉट एन आंसर। इन चीज़ों को देखें, मैंने कई लोगों को बच्चों को खास तौर पे इस तरह से देखा है कि वो बड़े सर वो हमारे दिमाग को देखें, हमने डिग्री किया वो हमारे हुलिये को चाटना है उन्होंने, भाई हुलिये को नहीं चाटना, उन्होंने आपके हुलिये से आपकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाना है कि आप कितने सीरियस हो। हर एक्टिविटी के पीछे कोई बैक एंड पे हिडन ऑब्जेक्टिविटी होती है, वो हिडन ऑब्जेक्टिविटी आपके हुलिये से आपकी सीरियसनेस का लगाया जा रहा होता है। यहाँ तक एक बात होगी, ये तो अब आप तैयारी करके जा रहे हो, तैयारी करके पहुंच गए हो, इंटरव्यू देने बैठ गए हो। अब जब आप इंटरव्यू देने बैठ गए हो तो नाउ वी आर ऑन द सेकंड स्टेज, अब इंटरव्यू वाला दिन शुरू हो गया। अब जब इंटरव्यू वाला दिन शुरू हुआ है तो अब आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा है, तो वो आपके ना जब आप अंदर एंटर होते हो तो वो सबसे पहले देखता क्या, क्योंकि अभी तक तो कम्युनिकेशन तो हुई कोई नहीं, वो सबसे पहले देखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये बॉडी लैंग्वेज से मुराद ये है कि यार आप कितना कॉन्फिडेंटली अंदर एंटर हुए, और आप अंदर एंटर हुए कुछ सहमे से हैं, या आप जब अंदर एंटर हुए हैं तो आप किसी स्माइलिंग फेस के साथ अंदर आए हैं। अगर आप रूम में अंदर एंटर हुए एक स्माइलिंग फेस के साथ और अंदर एंटर होकर आप जो है दिखाई, अगर आप हैंडशेक करते हैं और अगला हैंडशेक पूरे आप पूरा हाथ मिलाते हैं बजाय इसके कि आपने हाथ में डरते, ठीक है, या हाथ कांप रहे हैं, तो वो अगले आपकी इस बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं या कितने आप शैटर्ड हैं। आइए देखें, याद रखें एक बात और, हम क्यों कॉन्फिडेंट लूज़ कर रहे होते हैं, एक तो इल्म की कमी की वजह से, दूसरी बात एक और चीज़ अगर आज अपने जेहन में बैठा लो ना तो आप समझोगे कि यार एक आपको एक और टिप मिल गई आज की ज़िंदगी में, ये मैंने अपनी ज़िंदगी के क्रक्स निकाला है। अपनी ज़िंदगी में जिस ज़ात से हमें डरना है ना उसे फल्ला है, अल्लाह ताला के अलावा हमें किसी भी ज़ात से डरना नहीं है, किसी भी इंसान से भी डरना। इंसान से जब हम डरना शुरू करते हैं हम गलती कर देते हैं, और इंसान से हम डर क्यों रहे होते हैं कि हम डर में और एहतराम में फ़र्क नहीं कर पाते। डर और एहतराम में फ़र्क है। एहतराम ये है कि यार आपसे कोई एज में बड़ा आपने उसका रिस्पेक्ट कर ली, आपका कोई बॉस है आपने उसकी रिस्पेक्ट कर ली, आपने उससे अच्छे तरीके से बात की, आपने तू तड़ाह करके बात नहीं की, आपने ओए करके बात नहीं की, ठीक है, आपने सीना चौड़ा करके ऐसे ऐसे करके बात नहीं की, आपने तमीज से बात की।
और डर ये है कि आप ना हाथ जोड़ के उसके आगे ऐसे करके खड़े हुए हैं और वो यार ये मेरा बॉस है, अगर मैंने इसके आगे ऐसे ना हुआ तो मैंने नौकरियों काट देगा या मुझे ये जॉब नहीं देगा। ये अप्रोच गलत है। वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है, वो भी उस जगह पर बैठा अपना रिस्क हलाल कमाने के लिए आया और आप भी वहाँ पर गए अपना रिस्क हलाल कमाने के लिए, आपने भी अपनी सर्विसेज देनी है, वो भी वहाँ पर सर्विसेज ही दे रहा है। तो यार मामला ये है कि वो भी इंसान आप भी इंसान, जब इंसान पैरेलल बेसिस के ऊपर बैठा हुआ तो डर किस चीज़ का? तो डर डरना नहीं है, इज्जत करनी है। अच्छा अब आप अंदर गए हो, आपने जाकर फर्मली हैंडशेक किया और आप बैठे और आपका एक स्माइलिंग फेस है, अब अगलों को भी ना एक प्लेजेंटनेस का एहसास होता है क्योंकि इंटरव्यूअर भी ना एक दिन में 4-5-6 तो इंटरव्यू ले रहा होता है, तो वो इंटरव्यू लेते हुए वो उसका भी एनर्जी लेवल बड़ा डाउन हुआ होता है। मैं कई दफ़ा खुद इंटरव्यू लेते हुए ना अपने असिस्टेंट से कह रहा था वो यार अब कोई बंदा ना सही सा मिलवाई, अब मैं सही सा मिलवाई से मिला यार कोई अंदर एंटर हो ना तो यार वो स्माइल करता हुआ एनर्जी वाला कोई बंदा आए तो चलो उससे बात करते हुए तो मज़ा आए। वो एक बंदा डरा हुआ सहमा हुआ या बिल्कुल ही मुका हुआ आता है ना तो बंदा कहता है यार इससे मैं क्या बात करूं। तो अगर एक इंटरव्यूई इंटरव्यूअर को भी एनर्जाइज कर दे ना अपनी एनर्जी से, ठीक है, तो वो तो इसका मतलब है कि वो पहला क्लिक तो वहीं से ही ले गया। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने हैंड शेक से, अपनी स्माइल से ही अगर जो है वो इंटरव्यूअर को एंगेज कर ले तो इसका मतलब है कि उसने यहीं से जो है ना अपना पहला जो ग्रैबर है वो तो डाल दिया। तो पहली तो ये बात है इंटरव्यू। अब होता ये है कि इंटरव्यूअर्स आपसे कुछ सवाल करते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन कहलाता है इंटरव्यू का क्वेश्चन, जिसको कहते हैं अबाउट क्वेश्चन, ठीक है। अबाउट क्वेश्चन से मुराद ये होती है कि जिसमें इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा होता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं। यूजली यही यहाँ से इंटरव्यू का आगाज होता है। जब यहाँ से इंटरव्यू का आगाज़ होता है ना तो मैंने बहुत से लोगों को जो आंसर करते देखा है ना वो पता है क्या होता है, सर CV में लिखा हुआ है। वो मामा उस CV में लिखा हुआ है और वो CV उसने पढ़ लिया था पहले, लेकिन अब जो उसने क्वेश्चन किया है ना आपसे वो उसने आइस ब्रेक करने के लिए किया है, क्वेश्चंस को इंटरव्यू के आगाज़ के लिए किया है, ठीक है। और जब अच्छा अब ये बात गौर से सुनो कि जब आपसे पहला सवाल किया जाता है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो इस क्वेश्चन के आंसर पर इंटरव्यूअर आपको जज किन बातों पे कर रहा है। अभी आपका क्वेश्चन है ना कि यार वो किन बातों को जज करता है, ठीक है। तो अब आपको मैं ये क्वेश्चन का आंसर साथ ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि वो जज क्या करता है इस पहले सवाल पे। तीन चीज़ें जज करता है। नंबर वन, योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब अभी तो आपसे आपके मतलब पूछा जा रहा है, एक माई सेल्फ का मजमून ही बोलना है ना आपने, ठीक है। क्यों आप अपना आप कितनी कॉन्फिडेंटली कितने अच्छे तरीके से आई कांटेक्ट करते हुए अगले के सामने आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करते हो, ठीक है। एक ये देख रहा होता है कॉन्फिडेंस, दूसरा वो देख रहा होता है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? अच्छा अब यहाँ पर समझें, एक बंदे के पास आप इंटरव्यू देने के लिए गए और वो इंटरव्यू में बाबा सा है कोई बैठा हुआ और वो आपसे कह रहा है, कई ऐसे लोग होते हैं वो आपसे कह रहा है पुत दस अपने बारे में की दसना चाहना है। आप उसको आगे से आंसर करें, वेल माय नेम इज दिस एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस। अब आपको क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये सिखाया था कि पावें अगला कुछ बोले तू अंग्रेजी में ही इंटरव्यू देना है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने जो ना खोता घूम एपिसोड दिया। द मैटर इज कि जो बंदा जिस तरह का जिस लैंग्वेज में सवाल करे उस लैंग्वेज में आंसर करो। वो आपसे पूछ रहा है टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो उसने अगर इंग्लिश में पूछा है तो उसको इंग्लिश में आंसर करो। वो आपसे कह रहा है जी बताइए अपने बारे में कुछ, तो इसका मतलब ये है कि यार उसने आपसे उर्दू में बात की है उससे उर्दू में बात करो, उसने आपसे पंजाबी में बात की उससे आप पंजाबी में बात करो। ये है कम्युनिकेशन की इंटेलिजेंस, कि आपने ये देखना है कि अगला मेरी कौन सी चीज़ जज करना चाह रहा है, ठीक है। कई ऐसे लोग होते हैं यार आपसे उर्दू में क्वेश्चन किया, इंग्लिश में आंसर करने के चक्कर में एग्जैक्ट आंसर ही नहीं दे पा रहे होते और रिजेक्ट हो जाते हैं। भाई आपसे सवाल, भाई अगर तो आप फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर की जॉब है या कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर आपकी अंग्रेज़ी रिक्वायर्ड है, चलें जी आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया जा रहा है आप इंग्लिश में आंसर दें।
आप एक डाटा एंट्री की जॉब के लिए जा रहे हैं, एक अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा रहे हैं, या पीछे किसी मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं है, भाई आपने वहाँ जाकर इंग्लिश चढ़ के क्या करना है? जो आपकी मदर टंग है उसी में उसने सवाल पूछा, उसी में उसका आंसर कर दो, ठीक है। तो ये ना सेंस करना होता है, हम कई दफ़ा ना मक्खी पे मक्खी मारते हैं, बस जो हमें यूनिवर्सिटी ने बता दिया या जो जेन में आया कि अच्छा अगले नो इम्प्रेस करने का एक तरीका अंग्रेज़ी बोलना ही है, तो बस वो अंग्रेज़ी ही बोलनी है, उसके चक्कर के अंदर हम इंटरव्यू का बेड़ा करके कर बैठते हैं, ठीक है। सो जो लैंग्वेज का जो तरीकाकार है वो ये है कि जो इंटरव्यूअर बोल रहा है आपने वही लैंग्वेज बोलनी है, ठीक है। ये दूसरा, तो अब पहले उसने क्या चेक किया, आपका कॉन्फिडेंस उस सवाल से, दूसरा कम्युनिकेशन, और तीसरी एक कॉग्निशन प्रोसेस, कि आपकी आपका जेन चल कैसे रहा है, ठीक है। कॉग्निशन कहते हैं थिंकिंग प्रोसेस को। थ्री सीज हैं एक्चुअली, फर्स्ट सी इज कॉन्फिडेंस, सेकंड सी इज कम्युनिकेशन, थर्ड सी इज कॉग्निशन, ठीक है ना। तो कॉग्निशन मींस द थिंकिंग प्रोसेस। अच्छा, अब ये जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें वो आपको ये चेक कर रहा होता है कि यार इस बंदे का जो दिमाग है ना वो कितना प्रोसेस्ड वर्क करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ जी आप जो है वो बताएं कुछ अपने बारे में, आप बताना शुरू हो गए मेरे तीन भाई हैं, हम हराई हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं जो है वो फलां पीछे जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों एक बंदे का ग्रुप CFO लेवल का इंटरव्यू कर रहा हूँ, उससे मैंने पूछा चल एस अबाउट योर सेल्फ, वो कहता है सर मेरा जरा अब्बा सी ना वो खाड़ा करता सी दिल्ली, वो दिल्ली गेट में, और हम पीछे से कश्मीरी बाट हैं। मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं ग्रुप CFO का इंटरव्यू कर रहा हूँ, यू आर व्हाट यू आर टेलिंग मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट, ठीक है। एक प्रोफेशनल इंटरव्यू है, मुझे प्रोफेशनल आंसर करो, ठीक है। तो जो आपने आंसर करना है, जो रिक्रूटर चेक कर रहा होता है, सिलेक्टर चेक कर रहा होता है, वो ये चेक कर रहा होता है कि यार ये आंसर अगर मुझे ये करे ना, क्योंकि रिक्रूटर के लिए इंटरेस्ट क्या है, इंटरव्यूअर के लिए आप में इंटरेस्ट क्या है, अगर आप फ्रेश हैं तो आपकी लेटेस्ट डिग्री कि आपने क्या की है और जो कोई लेटेस्ट आपने प्रोजेक्ट्स किए, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो इंटरेस्ट किस में है, जो आपका इमीडिएट लास्ट एक्सपीरियंस है उसमें। रिक्रूटर आपने कहा था ना क्या देखता है, तो फ्रेशर में उसकी जो एग्जैक्ट जो भी उसकी लास्ट डिग्री हुई है वो उसको सुनना चाह रहा है, और दूसरी और ये सुनना चाह रहा है आपने उसमें क्या सीखा, और एक्सपीरियंस बंदे से वो जो उसका इमीडिएट लास्ट एक्सपीरियंस होता है ना वो उसके मतलब जानना चाह रहा होता है, ठीक है। तो आपने जब आपसे सवाल किया जाए कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो आप शुरू करेंगे अपनी इमीडिएट लास्ट एक्टिविटी से। अगर आपने MBA किया है फॉर एग्जांपल, आपने BBA किया है, तो आप कहेंगे कि सर वेल आई रिसेंटली डन माय BBA ऑनर्स इन HR फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, और इस दौरान में आई स्टडीड दीज कोर्सेज, और इससे पहले आई हैव डन माय FSC एंड मैट्रिक फ्रॉम दिस कॉलेज एंड दिस स्कूल, और नाउ आई एम हेयर फॉर माई फ्यूचर एंड टू सर्व यू, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने के लिए आए। जब आपने इसने आंसर कर दिया तो यही आंसर काफ़ी, इसका मतलब यह है कि यार इस बंदे का दिमाग चलता है और इस आदमी को पता है कि हमें इससे क्या इंटरेस्ट है, और इसने हमें उतना ही आंसर किया, ठीक है। ये इस चीज़ में नहीं है कि मुझे कहानियाँ सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर इस तरह से नहीं आपने बात करनी, सर मैंने पहले जो है ना वो फलां स्कूल से मैट्रिक किया था, फिर मेरी उसमें एक सप्ली आ गई थी तो फिर मैंने क्लियर की, फिर उसके बाद जो मैंने FSC की है, फिर अब जो है फिर मैंने BBA किया। अगर अब आप मैट्रिक से शुरू होकर BBA पे आ रहे, इट मीन्स आपने फिर एक गलत ट्रेन पकड़ ली। जो इमीडिएट लास्ट एक्टिविटी है आपने वहाँ से शुरू होना है अपना इंटरव्यू देना, ठीक है। ये दूसरी बात, तो ये चेक ये हो रहा है पहले सवाल से। फिर उसके बाद अगला सवाल आप लोगों से जो यूजली किया जा रहा होता है वो होता है, जो इंटरव्यूअर को पता होता है कि वो सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, वो सवाल होता है व्हाट, उसे कहते हैं व्हाट क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन से मतलब होता है कि आपसे पूछा जाता है कि अच्छा जी यार आपने ये डिग्री केस में पढ़ा क्या है, या जो आपने जॉब कर रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, या आप जॉब कर रहे हैं किसी जगह पर अकाउंट्स की, आप वहाँ पर ड्यूटीज़ क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपसे आपकी ड्यूटीज़ पूछता है, या डिग्री में आपसे पूछता है कि आपने पढ़ा क्या। तो जो आपने पढ़ा है या जो आप अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं वो सच सच सीधी सीधी सीक्वेंस के अंदर बताएं, उसमें झूठ सच ना हो, बिकॉज जहाँ आप झूठ बोलना शुरू करते हैं ना वहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज चेंज होनी शुरू होती है, आपकी आँखें ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप सोचना शुरू करते हैं, जो चीज़ आप कर रहे होते हैं ना उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ा होता, वो आप आते हैं हाँ जी मैं जॉब पर ये कर रहा था, वो आपने बता दिया,
जैसे ही आप चीज़ें सोच के बताना शुरू करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज का जो आई पार्ट है ना, वो इधर उधर होना शुरू होता है, क्योंकि सोचते हुए ना इंसान की आँखें हिलती हैं, ठीक है, और अमूमन ऊपर जाती हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही आपका ये काम शुरू होता है ना, मंगलों को पता लगना शुरू होता है ये झूठ बोल रहे, ठीक है, तो सच बोलो जो एक्चुअल सच है, ठीक है। नंबर टू, नंबर थर्ड इज दिस कि कई दफ़ा जब अगले को ये तसल्ली नहीं ना हो रही होती कि यार ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो लेट्स सपोज एक बंदा है, वो आप हायर हुए हैं एज ना मेंटेनेंस इंजीनियर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने अपनी ड्यूटीज़ तो बता दी, अगले ने पूछ लिया आपने बता दी, लेकिन अगले को तसल्ली नहीं ना हो रही, तो वो तीसरा क्वेश्चन आपसे करेगा, विच इज़ कॉल्ड द हाउ पार्ट, हाउ क्वेश्चन, वो कहलाता है हाउ क्वेश्चन, कि अच्छा यार आप मेंटेनेंस इंजीनियर हो, आप मुझे ये बताओ कि जो TPM है वो कैसे करते हो। अब आपको पहली बात तो ये कि TPM का पता होगा, और दूसरी ये कि आप TPM वहाँ पर करते होगे तो बता सकोगे, ठीक है ना, अदरवाइज कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो जब आपसे हाउ क्वेश्चन करे, इसका मतलब है कि वो अब आपसे पूछ रहा है कि ये काम करते कैसे हो। जब काम करते कैसे हो, तो इसका मतलब यह कि आपको काम आता होगा, आपने काम किया होगा, तो आप आंसर कर सकोगे, अदरवाइज नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो देर आर मेनली थ्री क्वेश्चंस, अबाउट क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन एंड हाउ क्वेश्चन, ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। और कई दफ़ा फिर आप लोगों को कोई केस भी दे दिया जाता है, मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं अक्सर हमारे क्लाइंट थे, हमने उनके लिए जो है ना एक सिक्योरिटी हेड हायर करना था, ये एक हाउसिंग स्कीम कंपनी थी वहाँ के लिए, तो वो हमने किसी और कंपनी से हाउसिंग उठाया बंदा, और अपनी कंपनी के लिए उसका इंटरव्यू करने लगे। तो हमने उसे कहा यार अच्छा मुझे, हमने उसको एक सिनेरियो दिया कि अच्छा आप ये बताएं कि अगर आप 6 महीने से कंसिस्टेंट जॉब कर रहे हैं, आपको छुट्टी भी कोई नहीं मिली, कोई छुट्टी नहीं मिली, और 6 महीने अब आप थक गए और आपने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी और वो अप्रूव हो गई, और आप अब अपने जो है ना वो बीवी बच्चों के साथ नरान का गान चले गए, आप नरान का गान पहुँचे और वहाँ पर पहुँच के आपको जो है ना वो एकदम से कॉल आती है कि सर वो पीछे जो है ना वो हाउसिंग स्कीम के अंदर ना 5 घरों को आग लग गई है रात को, और आप रात 12 बजे अपने नरान का गान पहुँचे हुए, आप बताएं आप क्या करेंगे। अब केस है ना, एक सिनेरियो दे दिया उनके सामने, अब इस सिनेरियो का आंसर हम उससे भला क्या लेना चाह रहे हैं, वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन हमने 3 कैंडिडेट से ये क्वेश्चन किया। एक कैंडिडेट ने क्या आंसर किया, सर नौकरी फर्स्ट वापस आवाँगे। अब जब उसने कहा कि जी नौकरी फर्स्ट वापस आवाँगे, उसने अपनी तरफ से तो बड़ी क्लेवरी डाली, लेकिन मैटर ये है कि क्या वो सेंसिबल आंसर था चापलूसी के अलावा, नो, ये वापस तूने भाई कहाँ पे आना, उतनी देर में आग लग जानी है घरों को। दूसरे बंदे को फ़ोन, दूसरा बंदा आया, उसी से यही सवाल किया, तो उसने बड़ा मज़ेदार आंसर किया, उसने कहा सर बात ये कि व्हेन आई एम ऑन लीव, ठीक है, फिर मैं अपना फ़ोन बंद कर देता हूँ और फिर मुझे नहीं पता होता कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है, तो मैं तो शायद फ़ोन ही ना उठाऊँ, ठीक है। तीसरे बंदे को जब बात की, तो तीसरे बंदे ने पता है क्या आंसर किया, उसने आंसर ही नहीं किया, उसने मोबाइल पकड़ा, उसने कहा सर बात ये है, उसने पहले मोबाइल खोला, उसके लिए उसने अपने दिखाए, उसने कहा ये 5 फायर ब्रिगेडियर्स के नंबर है मेरे पास, ठीक है, मैं मुझे फ़ोन आएगा ना तो मैं कहूँगा यार रुको मैं ज़रा पहले ना सारे को कॉल कर दूँ, मैं इन सारों को कॉल करूँगा, कॉल करके कहूँगा फ़लाँ 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 जगह पर पहुँचो और अपना काम शुरू करो। फायर ब्रिगेडियर्स को फ़ोन करने के बाद मैं कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को फ़ोन करूँगा कि सर मैंने यहाँ यहाँ पर कॉल कर दिए, और मैं अपने जूनियर्स के साथ भी लूप में हूँ और फायर ब्रिगेडियर्स के साथ भी, तो आप पैनिक ना हो, इन सारी चीज़ों को यहाँ से बैठ के खुद देख रहा हूँ, मेक सम सेंस, ठीक है। सो द जो अब यहाँ से ही अगली बात पर आ जाते हैं कि अब इंटरव्यूअर आपसे सुनना क्या चाह रहा है। इंटरव्यूअर आपका आगे कोई हमदर्द नहीं बैठा हुआ, खासतौर पर यार ये जो यूथ है ना, क्योंकि इंटरव्यूअर ये देखने बैठा है कि आप उस आदमी की ऑर्गेनाइजेशन में आकर वैल्यू एडिशन क्या करेंगे, आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या देंगे। इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ ये सुनने के लिए बैठा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है, व्हाई शुड वी हायर यू, ये आखिरी क्वेश्चन होता है, ठीक है।
इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी आप देखना चाहे देखिएगा, यूट्यूब पे पढ़िए। वो जो वाई शुड वी हायर यू का जो बेसिकली जो आंसर है ना, वो बड़ा वो एक उसको जरा समझो। जब किसी बच्चे से या किसी भी एक्सपीरियंस बंदे से सवाल किया तो वो कहता है सर पिछले 5 महीने से जॉब नहीं, ठीक है, तो सर जॉब के लिए। कोई कहता है सर जरा मज़ीद अपलिफ्ट अपना करियर करने के लिए। कोई कह रहा होता है कि सर वो जो है ना फैमिली में बड़े मसले शुरू हो गए हैं, 4 महीने से फारिग बैठा हूँ, अब जो है हालात तो ये हैं कि अगर अब मैंने इस महीने से ना कमाना शुरू किया तो फाके आ जाएंगे। इस तरह की कोई भी बात करके इंटरव्यू ये समझ रहा होता है कि मैं हमदर्दी गेन कर रहा हूँ और मुझे इसकी बेस के ऊपर नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, बट द आंसर इज दिस कि वो कोई हमदर्दी नहीं गेन हो रही होती, वो कुछ नहीं हो रहा होता सिवाय इस चीज़ के कि आपका एक इम्प्रेशन नेगेटिव जा रहा होता। जबकि आंसर क्या देना चाहिए, आंसर ये देना चाहिए कि सर आई एम हेयर, आई एम ए प्रोफेशनल, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ पर अगर एज एन मेंटेनेंस इंजीनियर हायर होऊंगा तो मैं आपकी कंपनी में क्या वैल्यू एडिशन कर सकूँगा। आई विल एक्चुअली चेक कि इस वक्त आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या 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 मशीन मेंटेनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मैं उन सारे इश्यूज़ को सबसे पहले हाईलाइट करूँगा और उसके बाद अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के ज़रिए जो चीज़ें मैं बीच में बेहतर कर सकता हूँ मैं उनको बेहतर करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम एज अ प्रोफेशनल कंपनी को सर्विसेज देना है और इसलिए सर्विसेज देना है ताकि वो बेहतर चले। तो जिस वक्त आपको फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, ही एक्चुअली ज्वाइंट एक रिटेल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, उसके उसको उसने ज्वाइन किया तो वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान में अगले ने पूछा कि यार अच्छा वाई शुड वी हायर यू, तो उसने आंसर पता है किया, उसने कहा सर इस वक्त आपकी ना 35 आउटलेट्स हैं पाकिस्तान में, अगर आप मुझे हायर करेंगे तो इट विल बिकम 70 इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। कितना कॉन्फिडेंट वो आंसर कर रहा है। अब मैंने उस बंदे से कहा, मैं कहा तुझे कैसे पता था कि 35 आउटलेट्स हैं, उसने कहा भाई मैं इंटरव्यू देने जाना था, मैंने एक दिन पहले पूरी स्टडी की कि इनकी 35 आउटलेट्स हैं और ये आगे अपनी आउटलेट्स बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन इनसे बढ़ नहीं रही, तो अगर ये मुझे एज अ रिटेल हेड हायर कर रहे हैं तो ये एक्चुअली मेरे से यही सर्विसेज लेना चाह रहे हैं ना कि अपनी आउटलेट्स बढ़ाएं, ठीक है, और मुझे अपने पे ये कॉन्फिडेंस है कि अगर ये मुझे हायर करेंगे तो मैं 3 साल के अंदर इनकी डबल कर दूंगा आउटलेट्स। कैसे करूंगा, सेल्स निकालूंगा तो डबल हो जाएंगी, ठीक है। कहते उसने वो आंसर किया उस आंसर की बेस पर वो सिलेक्ट भी हुआ और सिलेक्ट की बेस के ऊपर उसने 70 नहीं की, ओरिजिनली 92 कर रहे, ठीक है, और 2 सालों में कहते हैं, ठीक है, कंपनी 70 करोड़ की कंपनी थी, 2.5 अरब की कंपनी बना दिया उस आदमी ने। तो इंटरव्यू के अंदर जो है आपने बताना ये कि मैं आपको दे क्या सकता हूँ, बजाय कि अपनी मजबूरियाँ सुनाने के। आई एम अगेन रिपीटिंग कि जब आपसे ये कहा जाए कि यार वाई शुड वी हायर यू, तो बजाय वहाँ पर अपनी मजबूरियाँ सुनाने के कि मुझे इस मजबूरियों के बेस पे जॉब मिले, अगलों को ये बताओ कि आप उनमें के लिए क्या कर सकते हो और जब आपको वो हायर करेंगे तो उनसे उनको बेनिफिट क्या हासिल होगा, ठीक है। जब आप इस तरह से मूव अराउंड करते हो ना, ठीक है, तो उससे होता क्या है कि अगला आपके मुतालिक इंतहाई पॉजिटिव सोचना शुरू करता है कि यार इज़ इन अ क्लेवर मैन, इज़ इन अ कॉन्फिडेंट मैन, ठीक है। तो इन सवालों के जो आंसर्स हैं वो ये हैं, इंटरव्यूअर आपसे आपकी मजबूरियां सुनने नहीं बैठा, वो आपसे आपकी स्किल्स जानने बैठा है और ये जानने बैठा है कि ये स्किल्स उसके किस काम आएंगी। ये आपने कहा था कि इंटरव्यूअर जो है वो क्या सोच रहा होता है और कैसे देख रहा होता है। अच्छा, अगली बात ये कि यार बीच में एक सवाल था, अच्छा एक चीज़ मैं पहले ना इंटरव्यू का ही क्लोजिंग बता दूं कि क्लोजिंग कैसे करते हैं। क्लोजिंग में इंटरव्यू के अंदर ही आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि जी एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, ठीक है, तो उस वक्त ना कई लोग जो आंसर करते हैं जी सैटरडे ऑफ होगा, ठीक है, छुट्टियां कितनी होंगी, सैलरी के डेज कौन से होंगे। जब आपने ये आंसर्स क्वेश्चंस करने हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि वो आपके मतलब अब ये परसीव करेंगे कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट द जॉब बट यू आर जस्ट सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। अभी तो आपको जॉब ही नहीं मिली, ये तो क्वेश्चंस आपने तब करने हैं जब आपको ऑफर मिले,
ये क्वेश्चंस तब किए हैं जब कंपनी ने आपको ऑफर लेटर इशू किया हो या फ़ोन पे आपको ऑफर करने लगे कि यार हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, उस वक्त आप ये क्वेश्चन करते हैं। अभी तो आप जो उनसे क्वेश्चन करेंगे ना, वो क्वेश्चन भला क्या करेंगे, वो तो अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो तो ये करेंगे कि अच्छा सर आप अगर मेरी अगर आप मुझे हायर कर रहे हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस पोजीशन से, क्या इस पोजीशन के कोर KPIs क्या हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, आप मेरे से अचीव क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, जब आप इस तरह के सवाल करते हैं तो अगला कहते हैं यार इज़ ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मैन, ये तो सवाल ही बड़े स्ट्रेट कर रहा है, बड़े अच्छे कर रहा है। ठीक है, छुट्टियों से रिलेटेड सवाल, वीकेंड की छुट्टी के सवाल, दीज आर ऑल इनोसेंट क्वेश्चंस और मोर ऑल एस अ फुलिश क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा ये नहीं करने,